खबर गाजीपुर से है। सिटी रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस व रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे स्टेशन पर संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल अभ्यास किया। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे के निर्देश पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर मॉक ड्रिल किया गया। रेलवे सुरक्षा बल को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक गेट पर एक काले रंग की बैग में बम होने की सूचना मिलती है। इस पर तत्काल जीआरपी पुलिस एवं रेलवे पुलिस तथा बम निरोधक दस्ता जवानों के साथ मौके पर पहुंचते हैं। लावारिश बैग वाले जगह को डेंजर रिबन से ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर बम निरोधक यंत्र से बैग की जांच की जाती है। इसके बाद बड़े ही सावधानी से लावारिश बैग को खोलकर बम को डिफ्यूज किया जाता है। इसके बाद जवान राहत की सांस लेते हैं। जीआरपी थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस दौरान आपातकालीन समय में किस तरह से कार्य को अंजाम दिए जाने के बारे में जानकारी दी गई। देखे वीडियो। सर ये लेके जाइए अपन सामने वाले जो एक्सक्यूज भी था लेके जाइए अब बैग में चेंज हो गया उनका से लेके जाइए जी 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 हाँ हेलो कंडीशन क्लोज कर दें। आज दिनांक अपना परिचय सर एक बार दे। मैं एसओ जीआरपी गाजीपुर सिटी। क्या नाम सर? मेरा नाम अखिलेश कुमार मिश्र है। सर ये किस तरह का अभियान था आज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने के बाद? एक यह हमारा जो है अभ्यास था, एसओपी ड्रिल इसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन ड्रिल है। यदि मुझे इस तरीके की कोई सूचना प्राप्त होती है कि मेरे स्टेशन पर कोई आपदा हो गई, तो आज मुझे इस ड्रिल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे रेलवे स्टेशन के गेट नंबर एक पर एक बैग रखा हुआ है जिसके अंदर बम होने की सूचना थी। इस सूचना के आधार पर मैंने कोतवाली नगर को सूचना किया। आरपीएफ की मदद से इस प्रबंधन को किया गया, जिससे आने वाले दिनों में यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो मैं तैयार रहूं और मैं किस तरीके से इसे कर सकता हूं। यह श्रीमान अपर पुलिस
महानिदेशक महोदय रेलवे के द्वारा चलाए गए अभियान के तहत किया गया है। क्या क्या खासा ध्यान रखना पड़ता है अगर सर इस तरह की जानकारी मिलती है? सर जैसे हमारे यहाँ विशेष ध्यान ये देना पड़ता है कि यह जो बैग वगैरह मिला है इसको प्रशिक्षित लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा छुआ न जाए, इसे डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके से विस्फोट हो सकता है। तो हम प्रशिक्षित लोगों के उस जगह को घेर लेते हैं, जनता में अफरा तफरी फैलने से रोकेंगे और उन्हें जो है सूचित माध्यम से बाहर निकालेंगे और प्रशिक्षित टीम के आने के उपरांत जो है अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। बम डिस्पोजल टीम आई थी सर, उसके द्वारा जो है वह बैग ले जा गया। जैसे ही ट्रेन आई थी तो पूरा आरपीएफ जीआरपीएफ के पुलिस में काफी अफरा तफरी मची हुई थी, एरिया को घेरा गया था, ये क्या था सर? इसका अभिप्राय यह है कि इसी तरीके से आने वाले दिनों में अगर कोई सूचना हमें प्राप्त होती है तो किस तरीके से यात्रियों के बीच में हम सौहार्दपूर्ण वातावरण रखते हुए इस दुर्घटना को जो है सफल रूप से निस्तारित कर सकते हैं। जी सर।